बच्चों आप लोगों कोई व्हाट्सएप ग्रुप है? आप लोग है। बेटा उसमें ना लिंक शेयर कर दिया करेंगे। आजकल ना बहुत सारे बच्चों के सेक्शंस जो हैं वो चेंज हो रहे हैं ऊपर नीचे, तो वो फिर मुझे मैम बिल्कुल शेयर हो ऐड। ठीक है, एंड टाइम पे मुझे ईमेल्स आ रही होती है कि हमें लिंक दे दें, हमें लिंक दे दें। लेकिन कुछ बच्चे उस ग्रुप में ऐड नहीं है, तो आप काइंडली मैम के मेल के नीचे ही फॉरवर्ड कर दें ग्रुप का लिंक। बेटा क्लास ना जल्दी ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि 1 घंटा भी नहीं है सिर्फ, हमें यूनिवर्सिटी में 55 मिनट्स दिए हुए हैं रमजान में, तो उसके अंदर लेक्चर कंप्लीट करना अटेंडेंस लेना मुश्किल हो जाता है। तो आपका वेट जब करते हैं तो उसमें 10-15 मिनट जाया हो जाते हैं। तो और मेरी होती भी कंजेक्टिव क्लासेस है, मैंने अभी एक खत्म की और दूसरी मैंने स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो जरा खैर गुजारा किया करें, ठीक है, रमजान में जल्दी ज्वाइन कर लिया करें। चलिए बेटा पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फूड लॉस का फर्स्ट लेक्चर, और जो फूड लॉस का फर्स्ट लेक्चर है इट्स ऑल अबाउट द पाकिस्तान स्टैंडर्ड अथॉरिटी एंड कंट्रोल। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर कौन सी अथॉरिटीज हैं और कौन से उनके स्टैंडर्ड्स हैं, और क्या उन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं, और उनकी अलाइनमेंट्स या उनकी जो कोलाबोरेशन है वो इंटरनेशनली किसके साथ है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे और दो तीन इसके अलावा कुछ जनरल बातें हैं शुरू शुरू की स्लाइड्स में। ठीक है, सबसे पहले हमारे यस पास जो मैम। लेक्चर लेक्चर के जो कंटेंट है उसमें हम लोग जितने भी ये जो हम लोग कंपनीज या जो जितने भी वो पढ़ेंगे कॉन्सर्ट्स वगैरह, उसके फंक्शन क्या है, कौन सी अथॉरिटीज के अंडर आते हैं वो, ठीक है, और उनके स्टैंडर्ड्स क्या है हमारे पास। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ये जो 6 पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं ये इंशाल्लाह भी आगे वाले डिटेल जो आपके पास क्या कहते होते हैं उसको स्लाइड्स में डिटेल में, ठीक है। इधर मैं आपको जनरल जनरल एक लाइन में वैसे समझा देती हूँ, फिर आगे डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड सेफ्टी। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल मतलब होते हैं
कोई भी जो जनरल असूल होते हैं, दो चार बातें होती हैं हमारे पास, और उन बातों को हम लोग जब किसी अच्छे से प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर देते हैं, लेट सपोज चार बातें मेरी क्लास में, चार बातें लेट सपोज हम लोग इतना करते हैं कि पहले 5 मिनट के अंदर आना है क्लास में, खामोश बैठना है, ठीक है, ड्यूरिंग लेक्चर कोई क्वेश्चन नहीं करने, लास्ट 15 मिनट्स में क्वेश्चन करने, ठीक है। अब ये क्या थे, ये मेरे पॉइंट्स थे, मैंने इनका प्रिंसिपल बनाया, एंड फॉर द फर्दर आपके बाद आने वाले जितने भी बैचेस होंगे उनके लिए ये एक रूल बन जाएगा, ठीक है। टू प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग, ठीक है, एक नंबर सेकंड पे आ रहे थे प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग, ठीक है। हम लोग फूड लॉस इसलिए बनाते हैं कि हम जो भी फूड कंज्यूम करें उसके अंदर पॉइजनिंग ना हो, और वो फूड लॉस ये होना चाहिए कि जो हमारे पास फूड मटेरियल है वो लेट सपोज अगर हम एनिमल एग्जाम्पल लेते हैं तो उसकी स्लांटरिंग सही होनी चाहिए, ठीक है, फिर उसकी हैंडलिंग सही होनी चाहिए, तो उस हम फूड पॉइजनिंग से बच जाएंगे। देन प्लेस सेफ फूड ऑन द मार्केट, ठीक है, मार्केट में सिर्फ वो खाने पीने की अशिया जो है वो फराहम की जाए कंज्यूमर को, जिसके अंदर किसी भी तरह का मुज़िर कोई भी जो चीज़ होती है, एडल्ट्रेशन जो होती है केमिकली, फिजिकली और बायोलॉजिकली, उसके अंदर कोई फॉरेन मटेरियल प्रेजेंट ना हो, ठीक है। फूड की ट्रेसिबिलिटी होनी चाहिए, हार्वेस्टिंग से लेकर टू द फैक्ट्री उसकी ट्रेसिबिलिटी होनी चाहिए, वन बाय वन स्टेप पे, उसके अंदर कोई खराबी, फिजिकली कोई डैमेज या उसके अंदर कोई कंटेमिनेशन तो नहीं आ रही, उसके अंदर किसी किस्म की एडल्ट्रेशन तो नहीं हो रही, स्टेप बाय स्टेप आपने उसकी ट्रेसिबिलिटी करनी है, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ द फूड, ये जो फूड आइटम्स हैं उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, वो आंखों को लिए अपीलिंग है, एपेटाइट इंक्रीज कर रहा है किसी भी कस्टमर की, या इसके अलावा हम लोग प्रेजेंटेशन में ये भी बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग प्रोसेसिंग उसके अंदर कुछ ऐसे स्पाइसेस या ऐसे इन्हांसमेंट किए जाते हैं जिससे अरोमा और फ्लेवर इन्हांस किया जाए, ठीक है। रिकॉल ऑफ द अनसेफ फूड, रिकॉल ऑफ दिस अनसेफ फूड का मतलब है अगर फूड के अंदर कोई खराबी है, लेट सपोज फूड की मिसब्रांडिंग हो रही है, हिलाल के नाम से कोई हिलाल लिख के किसी ने बिलाल किया और किसी ने जिलाल किया होता है, ठीक है, अक्सर आप लोगों ने देखा होता है, तो ये रिकॉल होना चाहिए कि मिसब्रांडिंग ना हो या उसके अंदर कोई फेक लेबलिंग ना हो, जैसे हमारे यहाँ लिखा होता है ना गन्ने से गन्ना जूस उठा ले इनरिच्ड विद विटामिन सी, ठीक है। सो उसकी भी रिकॉलिंग मीन्स होती है, हुकूमत की तरफ से होती है, जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ पे मैंडेटरी है, हुकूमत की तरफ से होती है, पाकिस्तान के अंदर से वॉलेंट्री है, अगर कोई कंपनी करना चाहे रिकॉलिंग तो रिकॉल कर सकती है, नहीं तो हमारे ऊपर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इन चीज़ों को देखना है कि उसके अंदर कोई ऊपर नीचे कोई चीज झूठ वूट तो नहीं लिखा हुआ या ऊपर नीचे चीज़ों की एडिशन तो नहीं की हुई, तो दिस सिस्टम इज नॉन एज रिकॉलिंग ऑफ अनसेफ फूड, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फूड सेफ्टी हमारे पास क्या है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फूड सेफ्टी हमारे पास चार चीजें आती हैं उसके अंदर, ठीक है। वो चार चीजें क्या है हमारे पास, कि हमारे पास जो भी अशिया है फूड नोशन, ठीक है, एडिबल जो भी चीज है शुड बी क्लीन, क्लीन फ्रॉम एनी टाइप ऑफ द पैथोजन, ठीक है, और एनी टाइप ऑफ द हैजर्ड ऑफ एनी टाइप ऑफ द टेंपरेचर चेंजेस, ठीक है, एनी टाइप ऑफ द फिजिकल हैजर्ड, एनी टाइप ऑफ द बायोलॉजिकल हैजर्ड और एनी टाइप ऑफ द केमिकल हैजर्ड, ठीक है। इट शुड बी क्लीन, इट शुड बी हैंडल्ड प्रॉपरली, ठीक है, इट शुड बी सेपरेटेड, सेपरेटेड इन केस ऑफ like one thing should not be kept with the other thing, theek hai, it can change the flavor, it can change the chemical composition of the food. How, like let's suppose if I keep surf, theek hai, washing surf, if I keep the washing surf or the detergent with the chicken, so what will it cause, it will cause the bad smell, foul smell and aapke paas chicken mein shuru ho jayegi, change of the chicken composition, theek hai, why, because chicken can capture flavors very quickly when it is raw, theek hai, I should cook it well, theek hai, firstly I should handle it properly, secondly I should cook it in a well proper manner, theek hai, let's suppose if I am baking a cake, so I should bake it on 180 degrees celsius, theek hai, otherwise the cake would be raw, theek hai, fahrenheit, sorry, and then chill the food, theek hai, let's suppose I have cooked some vegetables, so I can't put it in hurry it in fridge, theek hai, agar hum main garma garam usko fridge ke andar rakh dungi to kya karega, uske andar aapko pas moisture increase hoga, jo moisture uske andar jama ho jayega, aapne dekha hoga na kabhi kabhi hum hot food ke upar agar container ka lid laga de to uske upar aapke pas sweating hona shuru ho jati hai, to kya hota hai, wo moisture release hai, agar wo moisture uske andar release ho jayega to it can cause increase moisture and it cause contamination in the certain food, theek hai, that's why we should properly cook and then properly chill the food to the room temperature and then we should keep it in the freezer or refrigerator, theek hai. Phir hamare paas aati hai food poisoning kya hai, anything which is not good for health due to the any type of the spoilage or deterioration in the food, theek hai,
due to the food, it's on organic composition, or due to its maybe physical or chemical. ठीक है, अगर वो आपकी body के अंदर जाके आपकी body को तकलीफ दे रहा है, food poisoning cause कर सकता है. ठीक है, it could be due to the bacteria or viruses or parasites and the other toxins. Which are the other toxins? The other toxins could be biological toxins, as you have learned in previous semester. Like aflatoxins, they are biological molds which are highly deadly. ठीक है, so they can poison the food and then further it can affect the RGLT system and we could die or our nervous system can be collapsed. ठीक है, contamination can also occur at home. घर के अंदर contamination हो सकती है if we do not. बेटा किसका माइक ऑन है, ऑफ कर दे, बच्चे की आवाज आ रही है मुझे. Contamination can also occur at home if it's incorrectly handled or cooked. ठीक है, अगर आप incorrectly handle करते हो food को, let's suppose आपके हाथ धुले हुए नहीं थे और आपने raw chicken को पकड़ लिया. ठीक है, फिर let's suppose वो raw chicken तो किसी ने wash कर लिया, पर आपने उन्हीं हाथों से फिर कोई vegetable पकड़ ली, और वो vegetable में भी ऐसा हो सकता है कि वो vegetable already washed थी and you picked it for some chopping purpose. तो क्या होगा, वो अगर आपके हाथ पे खून लगा हुआ था, अगर या खून नहीं भी लगा तो कोई वायरस अगर लगा हुआ तो वो चॉपिंग की ड्यूरिंग उस टमाटर या उस क्यूकम्बर के अंदर आपके पास जा सकता है. ठीक है, what could be the symptoms of the food poisoning? The symptoms are nausea, vomiting, abdominal pain within the hours or after the few minutes, depending upon the proteinic nature of bacteria and viruses. ठीक है, cross contamination हमारे पास क्या है, when one thing is or one harmful organism is transferred to the other. ठीक है, surface to for surface भी हो सकता है, hand to food भी हो सकता है, by touch भी हो सकता है, airborne भी हो सकता है, through flies भी हो सकता है. ठीक है, there are so many reasons to cause contamination. के even fridge में पड़े पड़े अगर आपके पास नीचे आपने let's suppose you have made fresh some samosas और ऊपर आपने उसके ऊपर fresh beef लग गया and the beef is dripping with blood, so it can also cause contamination in those samosas. ठीक है, special care for raw and ready to eat food. ठीक है, raw and ready to eat food की आपने special care करनी होती है. raw food में आपके पास salads आ जाएंगे and fruits which we consume like just like that. ठीक है, उसी तरीके से हम खा लेते हैं. ठीक है, so these should be handled and cleansed properly. so what is the proper method of cleansing vegetables? When you buy vegetables from the market, you put them in the cold water for 1 or 2 minutes, so the, all the particles of the sand can be burnt out. ठीक है, इसके अलावा क्या है third number point, because these food aren't cook harmful organism aren't destroyed before eating and can cause food poisoning. When we cook the food, it somehow kill the organisms. ठीक है, but when we do not cook the food and we make fruit salads or the vegetable salads as it is, there is chances of the contamination in the food. ठीक है, then there is a point that remember, food should be safe. How a food can be safe? If it is not contaminated by physical adherences, chemical or biological. Physical can be like, we can take example of crops. ठीक है, crops के ऊपर जो direct UV rays पड़ रही है, it's a physical, or the temperature changes, these are physical. Chemicals are those pesticides which we spray over them. ठीक है, and biological could be these aflatoxins, or biological could be the attack of parasites. ठीक है, year ago हमारे जो border के through grasshoppers का attack हुआ था हमारे crops के ऊपर. ठीक है, so these are the biological contamination causes in the food. ठीक है, traceability of the food. ठीक है, you know the traceability, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. ठीक है, पहले भी पढ़ा हुआ है. traceability क्या है, the step by step monitoring of the food production from the harvesting to the distribution to the retailer. ठीक है, क्या है traceability, is the ability to track a food through all stages of production. ठीक है, let's suppose आपके पास एक टोमेटो था, आपने उस टोमेटो को प्लक किया, फिर आपने उसको वॉश किया, आपने उसको देखा उसके ऊपर किसी भी किस्म कोई पैरासाइट अटैक तो नहीं हुआ. ठीक है, उसके ऊपर कोई डिस्कलरेशन तो नहीं है. देन यू सेंट इट टू द फॉर्म. ठीक है, जहाँ पे कैचअप बनती थी, फिर वहां से उनकी ड्यूटी स्टार्ट होती है कि उसकी वो दोबारा से क्लिनजिंग एंड सॉर्टिंग करें आपके पास. ठीक है, क्लिनजिंग एंड सॉर्टिंग के बाद फिर वो देखे कि जब हम कैचअप बना रहे हैं तो कैचअप के अंदर कोई इम्प्योरिटीज तो नहीं चलेगी, या हमने कोई इस तरह की चेंजेस तो नहीं कर दी, या हमने उसकी वेट मैनेजमेंट तो नहीं बदल दी. तो ये सारी चीजें हमारे पास आती हैं ट्रेसिबिलिटी के अंदर. और आपकी जिम्मेदारी सिर्फ पैकेजिंग तक खत्म नहीं होती कि जी हमने कैचअप पैक कर दिया एंड दैट्स इट. नो, व्हेन यू आर इंपोर्टिंग इट और एक्सपोर्टिंग इट. ठीक है,
कहीं से, तो वो इम्पोर्टर का भी काम है और एक्सपोर्टर का भी काम है कि वो ट्रेसेबिलिटी चेक करें। इसके अलावा जब रिटेलर होते हैं, आपने मार्केट में वो चीज लॉन्च की, आप जब एक छोटे दुकानदार को वो चीज दे रहे हो, तो ये भी एक कंपनी ऑनर का काम है कि उसको डैमेज चीज ना दो, आखिरी टाइम तक उसकी ट्रेसेबिलिटी को चेक करते रहो। ठीक है, ट्रेसेबिलिटी शुड मीन द मूवमेंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट्स मैं आपको समराइज करके बता दूं, क्योंकि ये स्टेप बैकवर्ड और स्टेप फॉरवर्ड का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन आप ट्रेसेबिलिटी को रिवर्स कर सकते हो। लेट सपोज आपने फर्स्ट स्टेप के बाद आप भूल के सेकंड स्टेप में और उसके अंदर इम्प्यूरिटीज आ गए थे, उसको रिवर्स बैक कैसे करोगे? बिफोर गोइंग टू द फोर्थ स्टेप, थर्ड स्टेप पे आप उसकी क्या करोगे, आप उसको उसकी क्या कहते हो, उसको मुझे वर्ड भूल के, ठीक है, उसको आप उसकी इम्प्योरिटीज को क्या करेंगे, उसको वहां से फिल्टर आउट कर देंगे उसकी इम्प्योरिटीज को। लेट सपोज उसके अंदर रेत चले गई थी, अब ये तो नहीं अब चले गई तो बस चले गई है, लेट इट गो, नो लेट गो नहीं करना, आपने उसको बैकवर्ड जाके उसको रिवर्स करना है, उस चीज को आपने अपनी ट्रेसेबिलिटी ठीक करनी है, क्योंकि आपने अपनी मार्केट वैल्यू को गिराना नहीं है। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू गिर गई है, आप देखिए बहुत सारे हमारे पास जूसेस होते थे जो हम बचपन में पीते थे, कंट्री वगैरह, क्यों? क्योंकि उनकी ट्रेसेबिलिटी ठीक नहीं थी, उनके जूसेस के अंदर फंगस भी आया था, ये इधर उधर की चीजें भी आ रही थी, ट्रेसेबिलिटी वॉज नॉट गुड, फूड रिकॉल वॉज नॉट गुड। एंड नाउ दीज कंपनीज आर या तो बहुत कम पैमाने पर है या दे आर वैनिश आउट फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, व्हाई? बिकॉज दे नेवर रिवर्स देयर ट्रेसेबिलिटी प्रोसीजर। Then we have a very interesting part which is food presentation. ठीक है, whatever we eat, first हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग उसकी plating और उसकी packaging देखते हैं। The more the colorful is the packaging. अब हम देखिए ना, बच्चे ये लाल की केक्स जो ये पिकफिस की डोनट्स की तरफ क्यों जा रहे हैं, because of their packaging presentation with the vibrant colors. ठीक है, प्यारे प्यारे colors use करते हैं, प्यारे प्यारे images use करते हैं। ठीक है, वो आजकल वो एक बिस्किट आए हुए हैं ग्लूकोज वाले, समहा वो एनिमल्स बने हुए हैं, तो बच्चे अट्रैक्ट हो रहे हैं उसकी तरफ। ठीक है, तो ये फूड प्रेजेंटेशन में आ जाता है आपके पास। ठीक है, बेसिकली व्हाट इज फूड प्रेजेंटेशन? फूड प्रेजेंटेशन हमारे पास एक आर्ट है, किस चीज का, कि मॉडिफाई किया जाए किसी भी फूड को, उसके फ्लेवर को एनहांस किया जाए। ठीक है, नगेट्स घर में अम्मी भी बनाती हैं, नगेट्स आप भी बनाते हो, और नगेट्स आपके पास मार्केट के भी आते हैं। मार्केट वाले क्यों ज्यादा अच्छे लगते हैं? बिकॉज दे हैव द आर्ट टू मॉडिफाई द फूड एंड द टेक्सचर एंड द फ्लेवर ऑफ द फूड। ठीक है, बाय एडिंग सम स्पाइसेस और सम कंडिमेंट्स इन इट। ठीक है, एंड देन अरेंजिंग। ठीक है, हम घर में शामी बनाते हैं, वो एक दूसरे को चिपक जाते हैं, मार्केट से लाते हैं वो नहीं चिपकते। अरेंजिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वाइल। ठीक है, उसका साइज कितना होना चाहिए, घर में जो अम्मा शामी बनाती है वो कुछ बड़े कुछ छोटे होते हैं। ठीक है, बहुत मतलब एक्यूरेट साइज की नहीं होते, बट द मार्केट का क्या होता है, दे चेक देयर साइज देन दे अरेंज इन द प्रॉपर मैनर। ठीक है, देन डेकोरेटिंग द फूड। ठीक है, हमें स्टेक खाने का मजा घर में नहीं आता, बाहर क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द डेकोरेशन, उसके साथ जो डेकोरेशन होती है, उसकी जो प्लेटिंग करने का तरीका होता है। चाइनीज का घर में इतना मजा नहीं आता जितना चाइनीज का घर से बाहर खाने का मजा आता है। व्हाई? ड्यू टू दिस प्रेजेंटेशन, दिस अपीलिंग इफेक्ट जो कि अपनी तरफ कंज्यूमर को बुलाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास प्रेजेंटेशन में आ जाती है। ठीक है, प्रेजेंटेशन के अब हमारे पास दो बड़े बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है ना, मार्केट लेवल पे भी और घर में अगर आपके पास लेट सपोज गेस्ट आए हैं, अगर आप सेल्फ सर्विस करो तो वी डोंट बॉदर दिस थिंग, बट अगर आपके घर गेस्ट आए तो वी बॉदर्ड। ठीक है, हम इस चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं कि आप जो भी खाना प्रेजेंट करते हो उसको एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर होना चाहिए। व्हाई? ताकि उसके फ्लेवर्स को हम फील कर सके। ठीक है, इजी एग्जांपल इज पिज्जा। ठीक है, पिज्जा जब ठंडा हो जाता है या एक दिन हम उसको फ्रिज में रख के सुबह अक्सर नाश्ते में अगर खा रहे होते हैं, तो व्हाई ऑल द पिज्जा, चाहे वो हवाइन पिज्जा हो, चाहे वो टिक्का हो, चाहे वो सुप्रीम हो, ऑल द पिज्जा फ्लेवर्स आर सेम टू द नेक्स्ट मॉर्निंग। व्हाई? बिकॉज द टेम्परेचर इज नॉट अप्रोप्रिएट। बट अगर हम उसको पिपिंग हॉट उसी टाइम किसी कैफे या रेस्टोरेंट में के या खुद ही बेक करके निकाल के खाएं, तो वी फील दैट एवरी सिंगल इंग्रेडिएंट हैज इट्स अरोमा। व्हाई? बिकॉज द टेम्परेचर इज अप्रोप्रिएट। सो द टेम्परेचर ऑफ फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन के पर्पज में एक जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो आपके पास है कि अप्रोप्रिएट एंड पॉसिबल बेस्ट टेम्परेचर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, गिव फूड एन अट्रैक्टिव एंड अप्रोप्रिएट अपीयरेंस। ठीक है, खाने को एक अलग खसूसियत दे। ठीक है, दाल चावल आप रोज खाते हो, एक दिन छोड़ के भी खा लेते। ठीक है, मजा किस दिन आएगा, जिस दिन आप चावल को बहुत बाउल में रख के उसको शेप अप करके दाल को बहुत तरीके से उसके साथ बहुत तरीके से सैलेड की सर्विंग करेंगे,
सो द ऑर्डिनरी दाल चावल विल लुक विल अमेजिंग और आपकी जो एपिटाइट होगी वो ज्यादा आएगी उसकी तरफ, ठीक है. सो दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द फूड प्रेजेंटेशन. नाउ सी इन दिस पिक्चर, ठीक है. अब जो बुचर शॉप है, मोस्टली 99% ऑफ द बुचर शॉप इन इंडिया एंड पाकिस्तान आर लाइक दैट, ठीक है. बट हम लोग अगर कभी ये जो कारफोर वगैरह से, मोस्टली पीपल, आई एम अमंग दोस पीपल, कि मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इन शॉप, बुचर शॉप के बजाय इन शॉप से ले लूँ. वाई? बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंटेशन, द ग्लास केसिंग, द हाइजीन, द क्लीननेस दे कीप, ठीक है. हालांकि अकॉर्डिंग टू माई फादर और मेरे बाबा कहते होते थे और मेरी अम्मा भी कहते हैं कि उसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं होता, और वो बिल्कुल एक जनरल सी बात है कि जो चीजें इस तरह की होती है उनकी फ्लेवर नहीं होती, क्योंकि क्या होता है हमारे पास जो ओपन बुचर शॉप्स होते हैं इनका पास सामान आता है और उसी वक्त निकल जाता होता है, ठीक है. उनके पास सफाई तो होती है पर उनका सामान एज इट इज उस वक्त निकलता नहीं है, तो उसके फ्लेवर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं. बट इफ अगर आप हाइजीन है और आपको ओसीडीज है डिफरेंट टाइप की और आप कहते हैं कि बहुत साफ चीज होनी चाहिए, सो दीज विल क्या करेंगे, वो आपको अपनी तरफ अपील करेंगे, बुलाएंगे आपकी तरफ, ठीक है. इवन इन ओपन बुचर हाउसेस इस तरह के जो ये होते हैं, कुछ लोगों ने बहुत साफ सफाई से रखे होते हैं और उन्होंने बाकायदा वो प्लास्टिक शीट्स रखी होती है, ठीक है. तो प्रेजेंटेशन मैटर्स. प्रेजेंटेशन आपकी जो इकोनॉमिकल फैक्टर है उस पर भी चेंजेस लाता है, ठीक है. हम लोग हमेशा उस दुकान की तरफ ज्यादा जाते हैं जहाँ पे बहुत ही ग्लास डोर्स और साफ सुथरा सा माहौल होता है. सो बहुत सारी जगहों पे अब क्या है कि हमने अपनी जो ये स्ट्रीट की शॉप्स थे उनकी बजाय हमने मार्ट्स जाना शुरू कर दिए, बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंटेशन इजीनेस. हर चीज की एक सेपरेट आपके पास कलेक्शन होती है, एलेस बनी होती है, उसके बीच में आप आराम से अपनी मर्जी से चीजें उठा लेते, आपको शॉपकीपर को नहीं बोलना पड़ता कि भाई ये दे दो ये वो दे दो, ठीक है. सो दीज ऑल कम ऑल्सो कम इन प्रेजेंटेशन, ठीक है. ये पॉइंट्स नोट किया करे बेटा वाइवा में, फिर मैं जब पूछती हूँ फिर आपको कुछ याद ही नहीं होता, ठीक है. तो ये सारी प्रेजेंटेशन की पिक्चर्स है आपके पास, ठीक है. हाउ टू रिकॉल अनसेफ फूड, ठीक है. अब अनसेफ फूड की रिकॉलिंग हम कैसे करेंगे, ठीक है. ये क्या है, बेसिकली हमारे पास एक वॉलंटरी एक्शन है किसी भी मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर का, ठीक है. टू प्रोटेक्ट पब्लिक फ्रॉम द प्रोडक्ट्स दैट मे कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स और पॉसिबल डेथ, ठीक है. लेट्स सपोज आपके आपने अपने घर में ऑर्डर करवाया, जी मुझे स्प्राइट का एक जो टेंस का कंटेनर होता है वो ला दे, ठीक है. तो वो क्या हुआ, वो उस रिटेलर का या वो उस डिलीवरी बॉय का काम है कि वो उस सारे कंटेनर्स को देखे कि उसके अंदर बल्जिंग ना हुई हो, ठीक है. अगर हुई हुई हो तो वो आपको बता देते कि इसके अंदर बल्जिंग हुई हुई है तो ये मत खरीदें, ठीक है. मोस्टली ऐसा होता है कि आपके पास जाए ना, स्पेशली आई हैव नोटेड इन पाकिस्तान में, मैंने अलपत्ते में तो इतना नहीं होता बट कारफोर में आई हैव नोटेड, ठीक है. जहां जहां कारफोर है सब में मैंने नोट किया है, इफ दे हैव समथिंग विच इज वोर्न आउट, इवन वो जो उनका ड्रेस सेक्शन होता है टी शर्ट्स वगैरह वाला, या फिर जो आपके पास फूड सीरियल्स मटेरियल वाला जो आपके पास सेक्शन होता है, अगर वहां पे किसी चीज के अंदर बल्जिंग वगैरह हुई होती है तो हम तो अक्सर उधर से उठा लेते हैं, क्योंकि हम बड़ी सुस्त कौन और हम कभी कभार कहते हैं बस यार कुछ नहीं होता, उठा लो घर जाके भी तो खोल नहीं है, ठीक है. बट व्हाट दे डू, जब आप काउंटर पे जाते हो तो वो आपको कहते हैं कि मैडम ये चीज आप नहीं ले सकते या सर आप ये चीज नहीं ले सकते बिकॉज इट इज बल्ज आउट और इट्स वॉर्न आउट, ठीक है. तो वो आपकी वो चीजें वापस कर देते हैं. सो व्हाट इज दिस इज नॉन एज रिकॉल ऑफ द अनसेफ फूड और अनसेफ थिंग्स, ठीक है. A recall is intended to remove food products from the commerce when it, there is a reason to believe the products may be adulterated or misbranded, ठीक है. Second point क्या आता है, हम एक और चीज पे भी recalling कर सकते हैं, अगर हमें feel होता है कि ये चीज जो है उसके अंदर adulteration है या ये इसकी misbranding हुई है, ठीक है. Market में से कुछ चीजें आप लोगों ने देखो कि बचपन में एक brand का soya sauce आता था हमारे पास, वो अब नहीं होता, ठीक है. क्यों नहीं होता, उसके अंदर हद से ज्यादा adulteration थी, ठीक है. इस तरह मिस ब्रांडिंग होती है. आपने जो अच्छी शॉप्स देखी होंगी ना, बड़ी बड़ी अलफते वगैरह और ये जो जितने हमारे पास अच्छे हैं चेस वगैरह जो है हमारे पास, ठीक है, जिससे हम ग्रोसरीज वगैरह चीजें डिफरेंट प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, इनके पास ये जो अला बला किस्म के ब्रांड्स नहीं होते, ठीक है. बट अगर आप लोकेलिटी में चले जाएं, इवन फिर आप मार्ट में भी चले जाओ, अपने लोकल किसी मतलब इवन जौहर टाउन में आपके जो अपने गली मोहल्लों के मार्ट होते हैं, इसमें आप देखें वो मेफिर की नकल भी पड़ी होगी आपके पास, और आपके पास हिलाल की नकल पड़ी होगी, आपको गुडगुडीज की भी नकल पड़ी होगी, खुद खुद से नाम बनाए होंगे, ठीक है. तो वो क्या होता है, वो मिस ब्रांडिंग होती है, ठीक है. ये चीजें भी आप पाएंगी और ये चीजें शॉपकीपर का वैसे काम बनता है, ठीक है. रिटेलर का काम तो था कि कम प्राइस वो चीज अगर देनी है तो दे, शॉपकीपर का काम है कि अगर वो अपने इर्द गिर्द के इलाके के लोगों की सेहत का ख्याल रखना चाहता है तो वो उस चीज को एलिमिनेट करे अपनी शॉप से, ठीक है.
अच्छा फिर हमारे पास अथॉरिटीज आ गई हैं, ठीक है, द पंजाब फूड अथॉरिटी फूड रिकॉल प्रोसीजर रेगुलेशन, ठीक है, 2017 में पंजाब फूड अथॉरिटी हमारे पास आई थी वजूद में, आई थी 2011 में, और फिर 2017 तक उन्होंने डिफरेंट अमेंडमेंट्स और डिफरेंट रूल्स वगैरह बनाना शुरू कर दिए, तो उसी के बीच में उन्होंने फिर रिकॉल का भी एक रूल बनाया था जो 2017 में हमारे पास पास हुआ था, ठीक है। फिर एक हमारे पास पाकिस्तान में एक इस तरह अथॉरिटी है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये हमारे पास एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है, इंटरनेशनली अलाइन है डिफरेंट कंपनीज के साथ, पर इंटरनेशनली ये सिर्फ उन चीजों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखती है जो हमारी चीजें इम्पोर्ट होके जाती हैं, ठीक है, सॉरी एक्सपोर्ट होके जाती हैं, इम्पोर्ट तो हम करते हैं, एक्सपोर्ट होकर जो हमारी चीजें जाती है ना उसके ऊपर थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखती है। अदरवाइज जो PSQCA का फंक्शन है, उनका फंक्शन ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी फूड आइटम्स वगैरह होते हैं उनके लिए किसी भी कोई भी गाइडलाइन बनाना और स्टैंडर्डाइजेशन करना, अगर PSQCA का आपने अभी इमीडिएटली इसका इमेज देखना तो अपने किचन में जाके अपने किसी भी ऑयल या घी के डब्बे में उठा ले तो हाफ हेक्सागोनल बना होगा और उसके ग्रीन कलर को उसके ऊपर PSQCA लिखा होगा, ठीक है, तो वहां से हमारे पास ऑथराइज होके और वहां से गाइडलाइंस बन के हमारे पास ये ऑयल्स वगैरह आते हैं। इजी एग्जाम्पल इसलिए मैंने दे दी, अदरवाइज बहुत सारी चीजों के ऊपर ये वाला लोगो हमारे पास बना होगा, ठीक है। इसको बनाया किसने था, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बनाया था, कराची में इसका हेडक्वार्टर था और ये हमारे पास 1996 में बना था, ठीक है। PSC के जो मेन काम है तो वो है प्रमोट द यूज ऑफ स्टैंडर्ड्स, ठीक है, एक सर्टेन स्टैंडर्ड्स हैं जैसे मिल्क शुड बी पैस्चराइज्ड, एग शुड बी ऑफ ए ग्रेड, ये मैं खुद से बोल रही हूँ, ठीक है, ये जरूरी नहीं है इसके अंदर, मैं सिर्फ आप लोगों को एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो इन्होंने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स और डिफरेंट क्राइटेरिया बनाए हुए हैं, ठीक है। जैसे अब यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हो तो आपकी यूनिवर्सिटी का मुझे नहीं पता, बट बेसिकली जो यूनिवर्सिटीज होती है उनका क्राइटेरिया होता है कि स्टूडेंट मस्ट बी एलिजिबल इफ ही और शी हैव scored 75% marks, ठीक है, तभी वो किसी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल होते हैं, ठीक है। कंफर्मिटी असेसमेंट होनी चाहिए, ठीक है, कंफर्मिटी असेसमेंट होती है, PSQCA के पास जाते हैं आपके फूड के सैंपल्स, लेट सपोज आपकी क्लास में से कोई बच्चा है उसने जी कपकेक्स की रेंज लॉन्च की है, तो वो कपकेक्स का जो है वो एक माइनर सा पोर्शन जाएगा PSQCA के पास, PSQCA उसकी लेबलिंग देखेगा किसने खुद से कोई झूठ तो नहीं लिखे हुए कि जी एनरिच विद दिस सैंडविच मेड विद प्योर मिल्क एंड प्योर चॉकलेट, वो उन चीजों को चेक करेगा, उनको कंफर्म करेगा, अगर कंफर्मिटी टेस्ट उसने क्लियर कर लिए तो मार्केट में चीज लॉन्च हो जाएगी, नहीं तो वो उसको फिर कहेंगे कि अपने SOPs को ठीक करो, झूठ मत बोलो, चीजें सही करो, या फिर डायरेक्टली चार्जेस भी अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन नेशनली एंड इंटरनेशनली, ठीक है, नेशनली तो हमारे पास जितने भी हमारे पास फूड आइटम्स है, हमारे पास अदर ग्रोसरी आइटम्स है, किचन आइटम्स है, वॉशरूम आइटम्स है, शैम्पू साबुन वगैरह, उसके ऊपर PSQCA क्या करता है, वो अपनी अथॉरिटी कंट्रोल रखते हैं, उनकी स्टैंडर्डाइजेशन करता है। इंटरनेशनली हमारे पास जो चीजें आती एक्सपोर्ट होती है उनके ऊपर भी लगता है कि लेट्स सपोज सरगोधा से हमारे पास हर साल बहुत सारा ऑरेंज जो है वो एक्सपोर्ट होता है, तो वो सर्टन साइज के ऑरेंज सर्टन डब्बे में होने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, उनके अंदर कोई खराबी नहीं होनी चाहिए, तो ये भी PSQCA के अंदर आता है आपके पास, ठीक है। अदर फंक्शन क्या है, टू रेगुलेट एंड इंश्योर क्वालिटी स्टैंडर्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी स्टैंडर्ड बॉडीज हमारे पास बनती है उनकी रेगुलेशन करनी होती है, ठीक है। हम अगर इजीली अगर फन वे में देखें तो ये जो उल्टी सीधी हरकतें करने वालों की हरकतें ठीक करने के लिए स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं हमारे पास, ठीक है। फिर इस तरह ये हमारे पास पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स का जो रूल पास हुआ था लेजिस्लेटिव, वो हमारे पास कब पास हुआ था, ये आर्टिकल नंबर 143, जो आर्टिकल्स होते हैं वो आपके पास लॉ लैंग्वेज में किसी भी पॉइंट्स को आर्टिकल्स बोलते हैं, तो आर्टिकल नंबर 143 से लेकर आर्टिकल नंबर 70 तक सेक्शन 4, ठीक है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसके अंदर फेडरल लेजिस्लेटिव पास हुआ था, ये सारे काम हमारे पास हुए थे 1973 में, हमारे पास PSQCA के बाद दूसरी बॉडी बनी है जो कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स है। पाकिस्तान स्टैंडर्ड काम ना सिर्फ खाने पीने तक है, बट जो हमारे पास पैमरा और ये जो मूवीज वगैरह बनती है मीडिया में, अगर उनके अंदर कोई इम्प्रॉपर वेज सीन्स वगैरह हो तो उनकी डिलीटिंग में पैमरा के साथ पाकिस्तान स्टैंडर्ड जो है वो काम करता है, ठीक है। दैट वॉज अ ऑनली अ जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से एक वैसी पॉइंट, अगर कोई आपसे कभी पूछे तो आप बता दें, ठीक है। अथॉरिटीज और कंपोनेंट्स कौन सी हमारे पास अब अथॉरिटीज है, हमारे पास एक SDC है, स्टैंडर्ड डेवलपमेंट सेंटर। स्टैंडर्ड डेवलपमेंट सेंटर का काम ये होता है कि वो किसी भी चीज के लिए कोई स्टैंडर्ड बनाए, लेट सपोज 75% इज पासिंग मार्क्स, इट्स अ स्टैंडर्ड। क्वालिटी कंट्रोल क्या है कि 73 और 72 पे मैं आपको पास कर दूँ। टेक्निकल सर्विसेज क्या है आपके पास कि सर नवीद जो है एग्जामिनेशन वाले वो इस चीज पे एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। सर्टिफिकेशन क्या है, रजिस्ट्रार उस चीज को मान ले और आपको सर्टिफाई करेंगे जी हाँ आप 3 GPA के साथ क्लियर है, यू कैन गो नाउ, ठीक है।
ये ऐसी चीजें थी, ठीक है, ये आगे डिटेल में है, पर आपका थोड़ा सा माइंड क्लियर करने के लिए मैंने आपको आपकी यूनिवर्सिटी से हवाले से एग्जाम्पल दी है, ठीक है। एसटीसी का काम क्या है? फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड्स पर मैंडेट ऑफ द पीएसक्यूसी एक्ट, ठीक है। पीएसक्यूसी का जो एक्ट आया था हमारे पास 143 आर्टिकल वाला सेक्शन 4 से, उसके साथ कंपैरिजन करके हमारे पास उसकी मैंडेट बनती है, फिर उसके नए रूल्स बनते हैं। इसके अलावा माइंड में क्या रखा जाता है? किसी भी चीज की कॉन्सेप्ट, क्वालिटी, सेफ्टी एंड हेल्थ, उसके अंदर कोई भी इस तरह के एडल्ट्रेशन या डिफ्रेंसिएशन वगैरह ना हुई हो, ठीक है। एफिशिएंसी एज बेसिक पैरामीटर्स फॉर सुटेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अलावा फिर एफिशिएंसी देखी जाती है सर्टेन कंपनी के लिए, सपोज मेरी कोई कंपनी है तो उसकी सस्टेनेबिलिटी को देखने के लिए मेरी एफिशिएंसी को देखेंगे कि मैं कितने अच्छे तरीके से काम कर रही हूँ, ठीक है। या फिर इसमें आप देख लेंगे मैं अगर आपको ये चीज डिटेल में पढ़ा रही हूँ तो इट्स माई एफिशिएंसी टू सस्टेन माई प्रीवियस रिकॉर्ड, ठीक है। अदरवाइज ये जो लेक्चर्स है मैं आपको एज इट इज भी रीड करवा के पढ़ा सकती हूँ, जिसमें आपको कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। बट वाई आई एम डूइंग दिस? टू सस्टेन माई रिकॉर्ड, आई एम पुटिंग माई एफिशिएंसी इन दिस थिंग, ठीक है। टेक्निकल सर्विस सेंटर क्या होता है? टीएससी हमारे पास एस्टैब्लिश हुआ था 1975 में, और फिर 1995 में एमओएससी की तरफ से उसके अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट्स, मतलब की तरामीम या चेंजेस की गई थी, ठीक है। टीएससी का फोकस होता है मेनली जो आपके पास जितना भी रिसर्च डेवलपमेंट होता है किससे रिलेटेड, ऑन मेटल और मेटलर्जिकल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मेटलर्जिकल जो प्रोडक्ट्स हैं टीएससी के अंडर आती हैं, तो हमारा उसके साथ काम क्या काम है? तो आपका काम ये है कि जब आप फर्दर रिसर्च करते हो या फिर आप पैकेजिंग करते हो किसी भी फूड प्रोडक्ट की, तो आपके पास ये जो मेटल है वो सिर्फ बिल्डिंग्स बनाने के काम नहीं आता, आपके फूड कंटेनर्स के अंदर, जैसे आपके टिन फूड हो गए, आपके चीनी के डब्बे हो गए, हम जब छोटे होते चाय के डब्बे भी होते थे, अभी आजकल मेरे पे सिर्फ टपाल का आ रहा है, ठीक है, मेटल का बना हुआ। तो इन सब की क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए भी हमें टीएससी की सर्विसेज की जरूरत होती है, ठीक है। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल है, मैंने आपसे पहले सेक्शन से भी पूछा था, थोड़ा जान जाओ मुझे बताएंगे सर्टिफिकेशन क्यों जरूरी होती है? अप्रूव हो सके बताएं बेटा, सर्टिफिकेशन क्यों जरूरी है? अप्रूवल के लिए मैम, कंफर्म करने के लिए मैम, कंफर्म करने के लिए कि बिल्कुल ये अच्छी है हमारे लिए मैम, ताकि पता लग सके कि ये जो कंपनी है ये सारी इन चीजों पे उतर के आई है, मतलब जो जो इनके स्टैंडर्ड्स हैं उस पे पूरा उतर के आई है, उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है कि ये कंपनी जो है ये आगे चल सकती है। यस मैम, जैसे ये कंज्यूमर को भी सेटिस्फेक्शन मतलब रेफर किया जाता है कि सारे रूल्स पे पूरे हैं। सही हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हैं। किसी भी चीज की इम्पोर्टेंस को ज्यादा करने के लिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए और उसकी क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग सर्टिफिकेशन करते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आप लोग को दे दूंगी कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीजें थी जो बचपन से लेकर हमारे आज तक होती है, अभी भी मिल रही है, ठीक है। जब हम छोटे थे तो जो नेशनल की स्पाइसेस हैं या नेशनल के जैम्स एंड जेलीज जो है ना, वो कहते नहीं होते बड़े स्लैंग लैंग्वेज में, बड़े एलीट सब्जेक्ट जाते होते थे, ठीक है। बट फिर एज आई मूव टू क्लास 6 or 7, जब मैं अपनी टीन्स के अंदर आना शुरू हुई तो शान को इम्पोर्टेंस मिलना शुरू हुई, ठीक है। तब समझ नहीं आती थी, अब समझ आती थी कि शान को एकदम से इम्पोर्टेंस ज्यादा क्यों मिलना शुरू हुई। शान जब मार्केट में हमारे पास लॉन्च हुआ तो वो इंटरनेशनली आते ही एक्सेप्टेबल था, क्यों? क्योंकि शान के पास पता नहीं कितने, आप अगर स्टडी करें कभी निकाले, मैंने उस दिन किए थे पर अभी मैं भूल गई हूँ, उनके पास बहुत सारे सर्टिफिकेशन है और कुछ सर्टिफिकेशन ऐसे है कि वो हमारे पाकिस्तानी हर प्रोडक्ट के पास वो सर्टिफिकेशन नहीं है। इसलिए अगर हम फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे और अगर हमें ये बिरयानी मिक्स और पुलाव मिक्स वगैरह चाहिए होगा तो हमें सिर्फ शान में मिलेगा। व्हाई? बिकॉज दे आर इंटरनेशनल एक्सेप्टेड एंड दे हैव थाउजेंड्स ऑफ सर्टिफिकेशन, ठीक है, जिसमें इनका प्रोसीजर आ जाता है कि इनकी प्रोसीजर बड़ी अच्छी है, इनकी क्वालिटी मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है, जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, इनकी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, ठीक है, इनके खाने पीने की चीजों में कभी कोई गंदगी या रेजिड्यूज नहीं निकले, सो दैट इज व्हाई सर्टिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। इसी तरह सेफगार्ड, जो है सेफगार्ड बड़े फखर से कहता होता है, वी आर आईएसओ सर्टिफाइड, ठीक है, हमारे पास हर साबुन जो है वो आईएसओ सर्टिफाइड नहीं है, सेफगार्ड आईएसओ सर्टिफाइड है,
तो अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाएं तो आपको, वैसे तो सेम कार्ड है यूनिलीवर का बाहर मिल जाएगा, पर आपको हमारा जो लोकल पाकिस्तानी साबुन जो है ना, जिसकी सिर्फ पैकेजिंग इधर होती है, बाकी फॉर्मूला तो फॉरेन ही है, बट वो भी आपको मिल जाएगी इजीली। इसी तरह हेड एंड शोल्डर है, ठीक है, हेड एंड शोल्डर की भी डिफरेंट वैरायटीज होती है हर कंट्री की, सिल्क है, बट वो क्या होता है कि वो हमें फॉरेन वाला मिल जाता है बट हमारा लोकल बाहर नहीं मिलता, पर जो हमारे लोकल सेफ गार्ड है या जो हमारा शान है वो हमें बाहर मिल रहा है ड्यू टू देयर सर्टिफिकेशन, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीजें देखी जाती है सर्टिफिकेशन के लिए, कि वो ISO से रजिस्टर्ड हो, अगर कोई बड़ी हाई फाई वो है आपके पास कंपनी है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले किसके पास पाकिस्तान में आया था, शान के पास आया था, दैट वाई इट इज ट्रेड आउटसाइड द कंट्री, WTO से भी सर्टिफिकेशन होना जरूरी है, ठीक है। फिर इसके बाद एक और पॉइंट आता है कि PSCQ जो है वो अलाइन है विद कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, एलिमेंटेरियस कमीशन इज इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड, ठीक है, इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड एक आप कह सकते जैसे हमारे पास अथॉरिटी है पंजाब फूड अथॉरिटी, इस तरह की एक अथॉरिटी है, बट ये इंटरनेशनल बॉडी है, और जितनी भी दुनिया में चीजें बनती हैं खाने पीने की उसका एलिमेंटेरियस के साथ अलाइन करना और उसकी क्राइटेरियाज और उसकी गाइडलाइंस से पूरा उतरना इम्पोर्टेंट होता है फॉर ट्रेडिंग एक्सपोर्टेशन और इम्पोर्टेशन के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे पास, ठीक है। फूड स्टैंडर्ड्स क्या है वो अलाइन होने चाहिए कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के साथ, इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसलिए होने चाहिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन चीजों को देखता भी है और फर्दरली वो आपके फूड को डिस्ट्रीब्यूट भी करता है जब हम डोनेशन वगैरह करते हैं, तो इस वजह से ये जो कमीशन हैं उनसे क्लियर होके जाना चाहिए। दीज स्टैंडर्ड्स आर ऑफ फूड आइटम्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज डिक्लेयर्ड 107 प्रोडक्ट्स एज मैंडेटरी, ठीक है, पाकिस्तानी हुकूमत ने जो एलिमेंटेरियस कमीशन से 107 चीजों को अप्रूव करवाए थे, जिसमें से 37 जो थी वो खाने पीने की चीजें थी, बाकी में शैम्पू साबुन डिटर्जेंट ये चीजें आ गई थी हमारे पास, ठीक है। उन 37 में से मैंने कुछ उठाई है, ठीक है, फूड जो आइटम्स है बच्चों के, जैसे सीरीलैक हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, फॉर्मूला मिल्क हो गया, नीडो वगैरह हो गए, ये चीजें आ जाएंगी, फ्लेवर्ड मिल्क आ जाएंगे, जैसे हमारे पास नूरपुर का उलाला और इस तरह जैसे भी हैं वो मिल रहे हैं हमारे पास, ठीक है, इस तरह बिस्किट्स हैं, बटर आ जाएगा, घी आ जाएगा, एप्पल जूस एंड फ्रूट्स कॉशेस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एलिमेंटेरियस जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन से पास होके ये चीजें आई हुई है, ठीक है। फूड स्टैंडर्ड्स इन पाकिस्तान, फूड स्टैंडर्ड्स आर रेगुलेटेड बाय पंजाब फूड अथॉरिटी 2011 में हमारे पास इन बॉडी आई थी, ठीक है। प्योर फूड ऑर्डिनेंस हमारे पास 1960 में पास हुआ था। प्योर फूड ऑर्डिनेंस का काम होता है कि जो जितने भी फूड आइटम्स वगैरह होते हैं उसके अंदर अगर अल्टरेशन होती है तो उसको देखा जाए, बट 1960 में हमारे पास ये रूल पास हुआ था, टिल 2011 ऑर्डिनेंस कोई काम में नहीं आई थी, ऑर्डिनेंस में कोई मूवमेंट या कोई एक्टिव स्टेप नहीं उठाया था और पाकिस्तान के अंदर हर चीज के अंदर अल्टरेशन हो रही थी। After that, in 2011, हमारे पास आई मिस आयशा जिन्होंने फूड अथॉरिटी ली, अब तो खैर कैप्टन उस्मान है हमारे पास, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनिशिएटिव्स देना शुरू हुई और थोड़ा थोड़ा करके आज के दिन तक काफी हद तक अडल्ट्रेशन जो हमारे पास है या मिक्सिंग या जो ओवर रेटिंग और ओवर प्राइसिंग है वो चीजें कंट्रोल में आ गई है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान होटल रूल थे, हलाल फूड स्टैंडर्डाइजेशन थी जो कि OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कमीशन के अंडर आती है, ये आगे जाके थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। प्योर फूड ऑर्डिनेंस हमारे पास हुई थी 1960 में। प्योर फूड ऑर्डिनेंस का काम क्या था हमारे पास, ठीक है, कि प्रिपरेशन एंड सेल ऑफ द फूड, जो खाने पीने की अशिया बनाई जाए और जब वो सेल की जाए तो उनके अंदर किसी भी किस्म की कंटेमिनेशन अडल्ट्रेशन मिलावट या भी ओवर प्राइसिंग और ओवर रेटिंग नहीं होनी चाहिए। अब सारे प्रोविंसेस को ये चीजें दी गई थी, सब प्रोविंसेस ने इसको एज इट इज या कुछ इलाके जैसे नॉर्दर्न एरियाज हैं उस वक्त हमारे पास समाज वगैरह ने उसके अंदर अपनी तरफ से तरामीम करके डिफरेंट करके अपने मुताबिक करके इन रूल्स को अपने इलाके में पास कर दिया था, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, इट इज एम टू श्योर प्योरिटी ऑफ द बीइंग सप्लाइड टू पीपल ऑफ द मार्केट, ठीक है। मार्केट पीपल कौन है, हम लोग कंज्यूमर तक साफ सुथरी हेल्थी ऑर्गेनिक चीज जानी चाहिए, बल्कि ऐसा होता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता हमारे पास, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रिवेंटेशन ऑफ द एडल्ट्रेशन भी हमारे पास फूड ऑर्डिनेंस का काम था, ठीक है। फिर हमारे पास आया इन द पाकिस्तान प्योर फूड लॉज और पाकिस्तान प्योर फूड ऑर्डिनेंस, दो चीजें हैं, अब हम प्योर फूड लॉज पढ़ेंगे, ठीक है। वो हमारे पास 1963 में बनी थी, इसकी फिर रिवीजन हुई थी एक दफा 2007 में और एक दफा 2011 में, और 2011 के बाद दोबारा अभी तक रिवीजन नहीं हुई, इट्स बीन 10 इयर्स बट इट इज नॉट रिवाइज्ड सिंस।
द पीपीएल इज द बेसिस फॉर द एग्जिस्टिंग ट्रेड रिलेटेड फूड क्वालिटी. ठीक है, पीपीएल का ऑर्डिनेंस का क्या काम है? एडल्ट्रेशन को देखना, क्वालिटी को देखना, प्योरिटी को देखना. पीपीएल का काम है ट्रेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखना. ट्रेडिंग हो सकती है इसकी विद इन द कंट्री और आउट ऑफ द कंट्री. ठीक है, फिर इस पर्पज के लिए उन्होंने 104 फूड आइटम्स हमारे पास ऐसे थे जिसके 9 ग्रुप्स बनाए थे जिनके ऊपर पीपीएल के रूल्स अप्लाई किए गए थे एंड दे वर फ्री टू ट्रेड विद इन द कंट्री और आउटसाइड ऑफ द कंट्री बॉर्डर्स. ठीक है, उसमें क्या आ जाता था? हमारे पास मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जिसमें चीज और योगर्ट सब कुछ आ जाता है. एडिबल ऑयल एंड फैट आ जाएगी. बटर मार्जरीन की एग्जाम्पल ले लेंगे. बेवरेजेस में हम कॉफी टी एंड जूसेस की एग्जाम्पल ले लेंगे. फूड एंड ग्रेन्स एंड सीरियल्स में हमारे पास सीरियल्स हैं. पोरेज हो गए, ओट्स हो गए, आटा हो गया, ये चीजें आ जाएंगी. ठीक है, स्टार्ची फूड के अंदर हमारे पास ये क्रैकर्स वगैरह आ जाएंगे जितने में, ये चीजें आ जाएंगी. स्पाइसेस एंड कंडीमेंट्स में ये जो हमारे पास दालचीनी, इलायची, लाल मिर्चे, टर्मरिक एंड ऑल दी स्टफ आ जाएंगे. ठीक है, स्वीटनिंग एजेंट्स में हमारे पास आ जाएंगे सुक्रोज वगैरह आ जाएंगे. ठीक है, चीनी आ जाएगी, गुड़ आ जाएगा, शक्कर आ जाएगा. ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड देन वी हैव मिसेलेनियस फूड प्रोडक्ट्स व्हिच आर दी स्पाइसी डिश लाइक यू कैन से लाइक चाट मसालास और दोज कॉर्न पाउडर और दोज चिकन पाउडर. ठीक है, लेकिन मिसेलेनियस प्रोडक्ट के अंदर आ जाएंगे. ठीक है, तो ये 104 प्रोडक्ट्स थी जिनकी 9 में ग्रुपिंग की गई थी जिसके अंदर पीपीएल का रूल अप्लाई किया गया था. ठीक है, अच्छा, फिर पाकिस्तान होटल रेस्टोरेंट एक्ट आया था. पाकिस्तान होटल एंड रेस्टोरेंट एक्ट का बेसिक फंक्शन ये था कि पाकिस्तान में ए टू जी जितने भी होटल्स हैं, ढाबाज हैं और द स्ट्रीट कैफेज हैं, वट एवर दे आर, दे शुड फॉलो द गवर्नमेंट रूल्स अबाउट सेल परचेज एंड द रेटिंग सिस्टम. ठीक है, स्टैंडर्ड रेट होना चाहिए. हाँ, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के बाहर देख रहे 6 कैफे हैं, सबके प्राइस के रेट चेंज हो गए. कोई 50 में बेच रहा होगा, कोई 100 में, कोई 150 में, कोई 400-500 में बेच रहा होगा आपके पास. ठीक है, सो जब गवर्नमेंट का रूल पास हुआ था उन्होंने कहा था कि जब कोई सर्टेन एरिया है आपके पास उसमें स्टैंडर्ड प्राइसिंग होनी चाहिए. अब आप बेकरीज में देख रहे हैं ना, बेकरीज में स्टैंडर्ड प्राइसिंग है. मिठाई आजकल आपके पास 750 रुपीज के जी चल रही है, तो थ्रू आउट द लाहौर जिस बेकरी में भी जाएंगे आप लोग, वो आपको 750 रुपीज के जी ही मिलेगी आपको. ठीक है, इट कुड बी मोर एक्सपेंसिव इफ इट इज स्पेशल. ठीक है, जैसे बिंदु खान वगैरह की है, दे हैव सम स्पेशल क्वालिटीज, सो इट कैन बी एक्सपेंसिव लाइक 100-150 का फर्क आ जाएगा, बट नॉट मोर देन दैट. ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या था? इन एडिशन टू द अदर प्रोविजन अंडर सेक्शन 22, ठीक है, द सेल ऑफ द फूड प्रोविजंस दैट आर कंटेमिनेटेड नॉट प्रिपेयर्ड हाइजीनिकली और सर्व्ड इन यूटेंसिल्स दैट आर नॉट हाइजीनिक क्लीनिक आर ऑफेंस. ठीक है, समराइज करके बता देती हूँ कि कोई भी ऐसी चीज खाने पीने की अगर उसके अंदर कोई कंटेमिनेशन है या जिसके अंदर उसकी प्रिजर्वेशन या प्रेजेंटेशन की जाती है, वो सही मटेरियल क्या नहीं है, तो वो ऑफेंसिव होगा आपके पास. और हम लोग बाहर बैठ के बहुत सारे ऑफेंसिव पैकेजिंग में फूड आइटम्स खा रहे होते हैं. आपको पता नहीं कि जब बिरयानी वगैरह मंगवाते हो बाहर से, वो प्लास्टिक के डब्बे में आपके आ रहे हैं, तो प्लास्टिक आज से 6 साल पहले बैन हो चुकी है, बट स्टिल वी आर कंज्यूमिंग फूड आइटम्स इन दिस एंड वी आर परचेजिंग एंड वी ऑल्सो हैव केप्ट दीस प्लास्टिक बॉक्सेस इन आवर हाउस. ठीक है, फलानी आंटी के घर कुछ भेजेंगे तो इसमें भेज देंगे. ठीक है, सो दिस इज नॉट गुड, दिस इज ऑफेंसिव. ओके, देन वी हैव हलाल स्टैंडर्ड्स एंड मैनेजमेंट. ठीक है, हलाल स्टैंडर्ड एंड मैनेजमेंट हमारे पास क्या आता है? नंबर वन पे हमारे पास आता है द थिंग शुड बी परमिसिबल. एनिमल इज ओनली परमिसिबल इफ इट हैव नो टूथ प्रॉब्लम, इफ हूव्स आर फाइन, और इसके अलावा उसके एज प्रॉपर होनी चाहिए. अंडरकट हमारे पास मिलता है ना बाहर मार्केट में, it's offensive, it's against the laws. jo undercut hum bade mazay se steaks wagaira se khate hain, it's against the law. theek hai, lawful hona chahiye, properly slaughtering honi chahiye, uski properly drainage of the blood hona chahiye us animal mein se. theek hai, according to the islamic law, what are islamic law? Properly 3 times takbir and padni chahiye aapko. theek hai, kalma wagaira padh ke bawazu ho ke slaughtering karni chahiye. theek hai, ये किसने रेगुलेट किया था हमारे पास? हमारी अपनी OIC, जो इस्लाम हमारी अपनी नहीं है बट जितने इस्लामिक कंट्रीज है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कमीशन, उन्होंने विद द कोलैबोरेशन ऑफ द कोडेक्स स्टैंडर्ड्स ये चीजें कुछ अमेंडमेंट्स और कुछ प्रिंसिपल्स बनाए थे फॉर द हलाल एंड लॉफुल फूड. देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पंजाब फूड अथॉरिटी? ये तब की पिक्चर है जब मैडम आयशा होती थी. ठीक है, पंजाब फूड अथॉरिटी में इट्स वर्स अराउंड 2012-2011 गए. ठीक है, पाकिस्तान फूड अथॉरिटी क्या है? पाकिस्तान फूड अथॉरिटी किसके अंडर काम करती है, किसकी गाइडलाइंस पे काम करती है? वो है कोडेक्स है, PSQCA है, WHO है, WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी
कंट्रोल अथॉरिटी एंड द कोडेक्स एलिमेंटेस विच इज इंटरनेशनल फूड बॉडी और फूड स्टैंडर्ड, ठीक है, उनकी गाइडलाइंस में हमारे पास काम करती है. एलिमेंटेस बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कमीशन बनी थी और ये हमारे पास फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने बनाई थी हमारे पास 1961 में. 1962 में इसने WHO के साथ काम करना शुरू किया और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन में कुछ डिफरेंसेस आना शुरू हो गए थे हमारे पास, ठीक है. बेसिकली कोडेक्स का जो काम है वो जितने भी हमारे पास जनरल फूड है फ्रॉम रॉ टू सेमी पेरिशेबल टू पेरिशेबल रॉ सेमी एंड लिक्विड, जितने भी फूड आइटम्स दुनिया में हमारे पास आते हैं उनकी स्टैंडर्डाइजेशन का काम होता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस का. कोडेक्स एलिमेंटेरियस इसके अलावा हमारे पास दो वर्ड से लैटिन वर्ड है कोडेक्स एलिमेंटेरियस जिसका मतलब होता है कोई भी चीज जो है वो लीगली प्रैक्टिस की जाती है फॉर सेल, ठीक है, अंडर द लीगल कोड्स, ठीक है. ये चीजें होंगी होपफुली आपके दिमाग में बैठ रही नहीं, कोई इतनी मुश्किल है भी नहीं, ठीक है. फिर कोडेक्स का फंक्शन क्या होता है, कोडेक्स का इन जनरल या जनरल फंक्शन हमारे पास है स्टैंडर्ड्स बनाना, ठीक है, उन स्टैंडर्ड्स को फिर फॉलो करवाना विद द हेल्प ऑफ द गाइडलाइंस और फिर उन स्टैंडर्ड्स और उन गाइडलाइंस को छोटी छोटी कंपनीज है छोटी छोटी कंट्रीज होती है उनको रिकमेंड करना, ठीक है. ऑल ऑफ देम व्हेन वर्क टुगेदर दे आर नोन एज हार्मोनाइजेशन, हार्मनी में ये काम करते हैं इन अ रिदम, इन अ स्मूथ रिदम दे वर्क टुगेदर, ठीक है. और आपका लेक्चर खत्म हो गया और मेरा गला भी खत्म हो गया दो लेक्चर देने के बाद. समझ आ गई है बेटा? यस मैम. यस मैम. कोई मुश्किल नहीं है, नो मैम. बोरिंग तो नहीं है? नो मैम. बोरिंग नहीं, बोरिंग तो होगा ये मत कहें. मैम इनमें से इसमें से याद क्या करना है? मैम ये एक्चुअली बातें हमने मतलब कुछ हमने पढ़ी भी हुई है पहले तकरीबन सारी. क्या बातें नहीं पढ़ी आप लोगों ने? मैं कह रही हूँ इसमें से बातें पढ़ी हुई है हमने. बेटा ऐसे ऐसे समझ आना शुरू हो जाएगी आप लोगों को, ये बड़े आसान है. इसमें सिर्फ हमें डेट्स याद करनी है और मुझे तो डेट्स आज दो लेक्चर पढ़ा के रट गई है ये डेट्स सारी. एक्सक्यूज मी मैम. जी बेटा बोलें. मैम ट्रेसिबिलिटी ऑफ फूड में जो सेकंड पॉइंट था वन स्टेप फॉरवर्ड वाला, बेटा उसका मतलब ये था कि अगर आप ट्रेसिबिलिटी कर रहे हैं, मैंने आपको उस वक्त की एग्जांपल समझाई है, कहां थी आप, सो रही थी तब. वो बैकवर्ड वाली थी ना, वो तो मुझे पता है कि आपने कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल कोई फूड बन रहा है उसमें रेत अगर किसी ने डाल दिया तो हम रिवर्स जा सकते हैं उस रेत को रिमूव करने के लिए. तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बेटा आप लोग इतने भी छोटे नहीं हो कि आप जनरल टर्म्स को ना समझ लें. आप फॉरवर्ड भी कर सकते हो उसको और आप उसको बैकवर्ड भी कर सकते हो. अगर किसी चीज की एडिशन कर रही है तो उसको एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, और किसी को चीज रह गई है तो उसकी एडिशन कर सकते हो, ठीक है. ठीक है. अब्रश आजम भट्टी ईमन अफजल प्रेजेंट मैम. ईमन अली प्रेजेंट मैम. ईमन अयूब मैम IMIR प्रेजेंट. मेरा माइक चल रहा था. Iman Fatima present. Iman Khan present. Alina Amir present ma'am. Alishpa Ahmed present ma'am. Amreen Ashraf present. Amna Marbert. Amna Khalid. Amna Salim present ma'am. Amna Sitar present ma'am. Yusuf present ma'am. Anam Firdos. Aksa Khan present ma'am. Aksa Muqaddas present ma'am. Aksa Wahid present ma'am. Aksa Zia present ma'am. Aisha Amjad present ma'am. Arif Jawad present ma'am. Arif Zafar present. Arifa Mustafa present ma'am. Arusha Saeed. Asima Maksud present ma'am. Firuba Aslam present ma'am. Suresh Amin present ma'am. Ilya present ma'am. Isha Mubarak present ma'am. Fariya Fatma
Present ma'am. Farhanda Ikram. Present ma'am. Zia Zahid. Present ma'am. Fatima Arshad. Fatima Javed. Fatima Nasir. Present ma'am. Fizar Farid. Present ma'am. Hadika Ali. Hafiza Roma. Present ma'am. Hafiza Samia. Hafsa Samal. Present ma'am. Hafsa Zaheer. Present ma'am. Amna Noor. Present. Aya Khan. Ifra Fatma. Present. Ifsa Idris. Present ma'am. Il Jamir. Present. Isha Sanaullah. Present ma'am. Shuka Khalid. Javier Dar. Present. Jazal Mas. Present. Kashaf Nazir. Present ma'am. Adija Munawar. Present ma'am. Kinza Gul. Present. Kiran Firdos. Kiran Shehzadi. Present ma'am. Laiba Zia. Present ma'am. Amin Ijaz. Maya Hafiz. Present ma'am. Malaika Asher. Present. Nail Kamran. Maryam Ansha. Present ma'am. Maryam Hori. Maria Rauf. Marvi Shehbaz. Present ma'am. Maryam Noor. Present ma'am. Masuma Zahra. Mahal Jahan. Present ma'am. Minahil Fatima. Minahil Ramzan. Meena Nazir. Present ma'am. Minahil Ramzan present. कौन प्रेजेंट है मिनाहिल रमजान प्रेजेंट बेटे सो रहे होते हैं मीना नजीर प्रेजेंट है मोमना खालिद प्रेजेंट मैम बशरा अकबर प्रेजेंट मोहम्मद हसीब प्रेजेंट मैम मुनज्जा प्रेजेंट मैम मुनीबा रहमान Present ma'am. Muqaddas Abdul Haq. Najia Nadeem. Namreen Zahid. Present ma'am. Nehza Zahra. Nadia Nida Asif. Present ma'am. Nimra. Present. Rulan. Present. Nosheen Maria. Present ma'am. Rabab Jahangir. Present ma'am. Ram Ways. Present ma'am. Rupa Shabir. Sadia Adil. Present ma'am. Sadia Badr. Present. Sadia Iqbal. Present ma'am. Saman Azhar. Present ma'am. Samra Tariq. Present ma'am. Sana Saleem. Sara Riyaz. Present ma'am. Leila Farooq. Seema Khan. Present ma'am. Shafia Babar. Present ma'am. Shiza Liaqat. Sidra Mukhtar. Tehreem Atiq. Tehzeeb Fatima. Tuba Sabir. Present ma'am. Ujala Nasir. Present ma'am. Umayma Gilani. Umayma Shaheen. Present. Umra Faiz. Urud Zeb. Present ma'am. Visha Tahir. Present ma'am. Wajiha Noor. Zahra. Zermeen Tahir. Present ma'am.
Zoya Qasim. Present. Zubaria Faiz. Present. Zubruk Saeed. Present. Anybody left with attendance? Ma'am, excuse me, ma'am. मैं मेरी एब्सेंट लग गया बोला तो था पर वो ना समझ नहीं आया ओके मैम लग गई नाम बताएं बेटा सादिया बदर क्या सादिया बदर सादिया भी लगी है मुझे लगता है नहीं लगी अच्छा और किसी की रहती है नहीं रहती तो क्लास लीव करे बेटा बस मैं सेव करती हूँ अटेंडेंस आप लोग ठीक है